नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया झाबुआ ने बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर की एटीकेटी एग्ज़ाम जल्द कराने और आवास की राशि डालने और कॉलेज परिसर की ज़मीन में अवैध कब्जा हटाने और पीजी कॉलेज झाबुआ में एलएलबी की क्लास शुरू करने हेतु ज्ञापन दिया है। एनएसयूआई के स्टूडेंट द्वारा ज्ञापन का वाचन करने के पश्चात झाबुआ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और एनएसयूआई के अध्यक्ष विनय भाबोर के द्वारा HW24 न्यूज़ चैनल को बताया कि हमारी चार मांगे हैं जिसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। एटीकेटी के छात्रों के एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराए जाए जिससे कि आगे की कक्षा में छात्र एडमिशन ले सकें। कॉलेज परिसर के आसपास अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाए। आवास के जिन छात्रों का पेमेंट जमा नहीं किया गया है उनका पेमेंट जमा कराया जाए और झाबुआ कॉलेज में LLB की क्लास शुरू करने के लिए भी ज्ञापन दिया है। अवैध कब्जे को लेकर विनय भाबर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यदि समय रहते अवैध कब्जाधारियों को नहीं हटाया गया तो स्वयं छात्र और छात्र संगठन द्वारा कब्जाधारियों को हटाया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। ये किस संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और NSUI के सभी पदाधिकारी छात्रगण ने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जो ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमारी मुख्य चार मांगे हैं जिसमें फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, सिक्स सेम जितने भी छात्रों को एटीकेटी आई है सभी के एग्ज़ाम अभी तक हुई नहीं है जबकि फॉर्म सभी के साथ में डले थे फर्स्ट ईयर फाइनल से लेके फर्स्ट ईयर वालों के और सभी के एग्ज़ाम मार्च में हो रही थी लेकिन COVID-19 कारण एग्ज़ाम सभी की कैंसिल हो चुकी थी जिसमें एटीकेटी प्राइवेट सभी शामिल थे लेकिन अभी शासन द्वारा रेगुलर स्टूडेंट की एग्ज़ाम ले ली गई है लेकिन एटीकेटी वालों को छोड़ दिया गया है जिससे एटीकेटी वालों का भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि अभी तक ना कोई टाइम टेबल दिया गया है ना एग्ज़ाम की तारीख आई है जिससे कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। अगर अभी एग्ज़ाम नहीं ली गई तो उनका रिजल्ट लेट आएगा और रिजल्ट लेट आएगा तो वो अगली कक्षा में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं जिससे कि उनको पूरा साल खराब ऐसे घर पर बैठना पड़ेगा। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की मांग है कि एटीकेटी छात्रों को जल्द से जल्द एग्ज़ाम लिया जाए और उनका टाइम टेबल जल्द डिक्लेयर किया जाए उसके बाद उनको अगली कक्षा के लिए शपथ पत्र दिया जाए अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि आज कॉलेज प्रशासन की भूमि पे चारों तरफ से अवैध कब्जा किया जा रहा है वहाँ पे घुमटियाँ बनाई जा रही है पक्की दुकानें लगाई जा रही है और कॉलेज प्राचार्य को हमने सूचना कर दी तो भी उनके द्वारा कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा लगता है कि शायद उनको उनकी भी मिली भगत या उनकी सहमति के कारण वहाँ पर सारी दुकानें लग रही है तो उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है कि वहाँ से अवैध कब्जा जल्द जल्द हटाया जाए अन्यथा छात्र और NSUI मिल के उन सभी को वहाँ से हटाने का काम करेगी और जो भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और प्रशासन की होगी। उसके बाद तीसरी हमारी मांग और है जिसमें LLB जब यहाँ पे 2007 के पहले LLB चल रही थी फिर यहाँ पे क्या कारण है कि LLB बंद कर दिया गया तो उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि LLB यहाँ पे जल्द से जल्द शुरू की जाए। ये कब्जाधारी कौन है कुछ बता पाएंगे? कब्जाधारी लोग शायद मुझे जो लगता है कि नेता होने के संरक्षक लोग इस कारण कि उनकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वहाँ पे घुमटियाँ लगा के और खुलेआम वहाँ पर बैठे हुए हैं कि आज से आप देखे होंगे आप उन्हें 6 महीने पहले किस तरह से अवैध कब्जा से लोग बाग डर रहे थे कांप रहे थे कि नहीं अवैध कब्जा नहीं किया जाए लेकिन आज देखा जाए तो सारी सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा करके लोग बैठ चुके हैं वो माफिया लोग हैं इस कारण से वो खुलेआम वहाँ पे चला रहे हैं अपने अवैध दुकानें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।